ये देखिए दोस्तों, कि दोस्तों संत महात्मा कैसे मतलब अपनी भोजन प्रसादी बनाते हैं। इसी में महाराज जी आपकी भोजन प्रसादी बनती है। बन रहा है महाराज जी, लगातार तीन तीन चार चार चूल्हे बनाए हुए हैं। कोई यात्री आ गया। अच्छा, डबल अगर काम करना हो तो वो है। अच्छा, एक में सब्जी चुरती रहे, एक में रोटियां बनती रहे, और इसमें रोटियां बना लो, रोटियां बना लो, तो बड़ा पढ़ा चढ़ाना है तो इसको चढ़ा लो। अच्छा, ज्यादा भक्त लोग आ गए तो उसके लिए है इतने सारे मतलब बनाए गए हैं। ये सारे भक्तों के लिए है। अच्छा अच्छा, तो लगातार महाराज जी ने तीन चार चूल्हे बनाए हुए हैं और यहीं पे सिद्ध होती है भोजन प्रसादी। ये देखिए, तो महाराज जी बेलने उलने के लिए नहीं यूज करते हैं? अरे वो रखा है। अच्छा, रखा हुआ है। तो उसका यूज बहुत कम होता है ना महाराज? कम, जब जैसे बनाना हो तो बना लीजिए। अच्छा, नहीं, हाथ से ही तिक्कड़ बनते हैं? तिक्कड़ बनते हैं जी, बिल्कुल। जलाने के लिए काम आते हैं जी जी, उसको वहाँ पर परिक्रमा प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो विशेष मेहनत नहीं पड़ती, खाली समय होना चाहिए वहाँ बीनने के लिए। जी जी जी, और क्या। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी, कितने सालों से आप मतलब संत जीवन में हैं? अभी तो मेरा जन्म हुआ 24 जुलाई 2023 को। अच्छा, इसमें आए हुए? हाँ, इसमें आए। अच्छा, तो जन्म ही मानिए। जी जी, 7 महीने और 21 22 23 24 25 26 27 7 7 दिन। तुम्हारा 7 महीने 7 दिन जो मतलब इस रूप में आता तो उसका नया जन्म होता है ना? हाँ, जन्म होता है जी। तो महाराज जी यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, जब से घर छोड़ा जब से गया नहीं जी। 19 जुलाई 2023 को आया था। अच्छा, एक साल कहाँ हुआ अभी? अरे होने वाला। हाँ, 7 माह 7 दिन हुए हैं, एक एक दिन की एंट्री करता हूँ। महाराज जी, आपका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चिरगांव के हैं। अच्छा अच्छा, झांसी जिला है। अच्छा अच्छा, तालापुरा चिरगांव। महाराज जी, ऐसा क्या विचार आया कि आप संत बन गए? ऐसा विचार इसलिए आया कि मेरी परिवार से ज्यादा बनती नहीं है। अच्छा, मेरी बात मानना जहाँ कम कर दिया जी, मैं समझ गया उसका माहौल जी, कि अब यहाँ पर जिंदगी पार होने वाली नहीं है जी। देखो, घुट घुट के जिंदगी जीगी तो क्या जीना है, सही, कोई मतलब रहा नहीं जी जी जी। स्वतंत्र जियो, जो कुछ करना है करो। महाराज जी, आपके बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं, 3 हैं बच्चे। अच्छा, 4 थे, 1 चला गया 20 अक्टूबर 2005। अच्छा अच्छा, जब से वो उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला जी, मतलब खो गया। हाँ, खो गया वो। अच्छा, रिलेशन में आ गया हो किसी का, शादी कर दी थी 2004 में, एक उसका बच्चा है अभी। अच्छा, 18 साल का हो चुका है जी जी। वो 14/2/5:14:30 पे पैदा हुआ था नाती। महाराज जी, आपको मतलब एक एक चीज का पूरा मतलब पूरा विवरण रहता है। उसके बड़े लड़के का जन्म जी, जिसका वो लड़का है जी, वो उसका जन्म हुआ था 21 मार्च 1978 जी, 11:19:30 जी जी। उसका 14 सेकंड था, 5:14:14 जी, नाती का। मेरी क्वालिफिकेशन है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, आपकी महाराज जी? मैंने सर्विस भी की। अच्छा, वो सर्विस की है December 12, 1992 से मेरी नियुक्ति पत्र है। महाराज जी, कौन से विभाग में थे आप? वहां से थे हम,
जिसमें खाद बीज मिलता है, अच्छा, सहकारिता विभाग, अच्छा अच्छा, उसमें कमीशन मिलता था, अच्छा अच्छा। मैंने कहा 33 साल का हो गया, 36 साल का इसमें और कोई चांस नहीं जी, तो फिर मैंने कहा कि इसी को कर लिया जाए। तो उसमें यही एक परेशानी आई कि आर्थिक व्यवस्था पूरी सुदृढ़ नहीं चल पाई जी जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन में क्या अंतर है? गृहस्थ जीवन में आदमी को गृहस्थ की चीजों का उपयोग करना पड़ता है जी, उनका हर चीज देखना पड़ता है जी जी। अब इसमें भी गृहस्थ से बड़ा है जी जी, जब आपको वहां गृहस्थ नहीं चलाना है तो यहाँ आ जाओ जी, तो अपनी स्वतंत्रता से करो, खाओ, प्रभु के गुण गाओ जी। महाराज जी, इसमें आने के बाद कैसा मतलब आपको महसूस हो रहा है? सुखी हूँ मैं, अच्छा, सभी संतों से सुखी हूँ, अच्छा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं जो काम हो तुम बताओ आनंद। अरे महाराज, अब आपकी सेवा में लगे तो हैं, दो संत आपकी जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, महाराज जी कैसे तिक्कड़ बना रहे हैं। महाराज जी, आप तो बिना मतलब बेले हुए आपकी रोटियां इतनी गोल बन रही हैं। क्या करें प्रभु, से करना होगा ना। और हम लोग अगर उसमें भी बेलते हैं तो हमारी मतलब इतनी गोल नहीं बन पाती है। नहीं, गोल देखो, बेलन से आपको चला के बताएं, बेलन से बिल्कुल भी मैं हाथ से नहीं छूंगा जी, तो रोटी अपने आप चलेगी। अच्छा महाराज जी, मतलब कि आप इसमें बेलन चलाएंगे? हाँ, बेलन चलाएंगे, बेलन जैसे आप हैं? हाँ, आप चूल्हा बहुत तेज जला रहे हैं महाराज, आप उसमें महाराज जी।